इस स्मार्ट वॉच का इंडियन मार्केट में लॉन्च हुए हो चुके हैं 7 महीने हैं। इसका लॉन्चिंग प्राइस 4000 रुपीज था, अभी आपको ये मिल रही है 2500 रुपीज में। मतलब यार ऑलमोस्ट 45% का डिस्काउंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्या 2500 रुपए में मेरी एक वर्थ परचेज रही या नहीं रही, चलिए चेक करते हैं इस वीडियो में। बट यार कुछ हाईलाइट बता देता हूँ, पूरी वायरलेस चार्जिंग के साथ ये आती है स्मार्ट वॉच एंड आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मेटेलिक फ्रेम आता है विद मेटेलिक स्ट्रैप एंड काफी सॉलिड वेल्ट है। इसका वेट 140 ग्राम के राउंड है। चले इसको करते हैं अनबॉक्स। तो ऑन द टॉप आपको यहाँ पे माही भैया के साथ फायरबोल्ट लेगेसी वॉच देखने को मिल जाती है, मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग उन्होंने की हुई है। एंड इनसाइड द बॉक्स आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं पेपर वर्क की, वाउचर्स वगैरह यूजर मैनुअल वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एक वायरलेस चार्जर मिलता है व्हाइट कलर का एंड आपकी मेन स्मार्ट वॉच यहाँ पे प्रेजेंट है। जिसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप नोटिस करेंगे एक राउंड डायल दिया गया जिसको कर्व किया गया, 2.5D कर्व ग्लास यहाँ पे यूज है। फ्लैट डिस्प्ले आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, डिस्प्ले की स्मूथनेस अच्छी है। राइट साइड में आपको मिलता है एक क्राउन बटन जो कि क्राउन एंड पुश बटन दोनों की तरह वर्क करता है। उसके नीचे एक स्पोर्ट मोड के लिए डेडिकेटेड बटन उन्होंने दिया हुआ है। नाउ लेफ्ट साइड आपकी यहाँ पे काफी एम्प्टी है एंड नीचे की तरफ आपको सेंसर के साथ माइक्रोफोन वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, चार्जिंग के लिए स्पोर्ट भी वहीं पे अवेलेबल है। नाउ स्ट्रैप आपको मिलते हैं मेटेलिक वाले, बट यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस था, आप मेटल एंड सिलिकॉन में चूज कर सकते हो। तो हमेशा मेटल ही चूज करना बिकॉज दीज लुक मोर प्रीमियम एंड ये क्लासिक वॉच की लुक डेफिनेटली कंटेन करती है। तो आप क्लासिक वॉच फेस ही यहाँ पे ट्राई कीजिए। पहले करेंगे इसको कनेक्ट, उसके बाद बात करेंगे डिटेल में क्या आपको मिलता है यहाँ पे। तो अभी फायरबोल्ट ने इसमें दिया स्पोर्ट फायरबोल्ट की स्मार्ट टाइम प्रो का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप एंड प्ले स्टोर दोनों से। एंड एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको वहां पे डिवाइस में कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फायरबोल्ट 094 प्रोडक्ट का नेम है, कनेक्ट कीजिए, उसके बाद भाई आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन के इंटरफेस की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे 4 मेन्यूज मिलते हैं। नीचे से आप चेक करेंगे, स्टेटस ऑप्शन मिलता है जहां पे आपके स्टेप काउंट, हार्ट रेट, SPO2, बी मतलब ऑलमोस्ट आपका पूरा डेटा हेल्थ रिलेटेड मिलता है। ट्रांसपोर्ट में आपको GPS ट्रैकिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। एंड डिवाइस में डिवाइस रिलेटेड सारे सेटिंग्स अवेलेबल हैं, आप कुछ भी सेटिंग करना हो, कॉल ऑन एंड ऑफ, एंटी डिवाइस, लाइक सब कुछ यहाँ पे मिलता है। मी पे आएंगे तो आप यहाँ पे परमिशन की सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं एंड अपनी प्रोफाइल वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये तो था स्मार्ट वॉच की एप्लीकेशन का UI। स्मार्ट वॉच का UI कैसा है उससे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। 1.43 इंच का एक AMOLED पैनल दिया गया जिसमें 466x466 की इन्होंने पिक्सल डेंसिटी यूज किया, मतलब एक हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है जो कि आप देखने से ही समझ जाओगे भाई काफी तगड़ी डिस्प्ले आपको मिल रही है। आइकन्स वगैरह हो या फिर उनकी क्लैरिटी हो, ओवरऑल डिस्प्ले की ब्राइटनेस काफी तगड़ी है, तो इंडोर के साथ साथ आउटडोर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। रेस टू वेक फीचर प्रेजेंट तो है, वर्क करता है थोड़ा सा स्लो एंड अगर आप AUD यूज करेंगे तो AUD के साथ वर्क ही नहीं करेगा। और हाँ, 2 AUD मोड मिल जाते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल वाले जो कि आजकल कोई भी ब्रांड आपको दे रहा है, बट उनकी ब्राइटनेस लेवल यार इंडोर में भी कई बार दिक्कत होती है देखने में, काफी कम दी गई। उसके बाद अगर स्मार्ट वॉच के UI की बात करूं तो ऊपर से आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको टॉगल्स मिल जाएंगे, नीचे से आपको मैसेज नोटिफिकेशंस एंड इसमें मेन्यू कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा किया गया, तो आप अपने राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट स्वैप करके मेन्यू वगैरह यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्राउन को प्रेस करेंगे तो आप मेन मेन्यू में चले जाएंगे जहां पे आप उसको क्राउन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नीचे वाला बटन जो बताया वो डेडिकेटेड आपके स्पोर्ट मोड के लिए। फायरबोल्ट हमें क्लेम करता है 3 मेन्यू स्टाइल, बट आपको डिफरेंट डिफरेंट 5 मेन्यू स्टाइल यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जी हाँ, अगर आपको लिस्ट वाला पसंद नहीं है तो आप दूसरा मेन्यू स्टाइल चूज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मूव कर लेते हैं भाई स्पोर्ट मोड में, तो 100+ स्पोर्ट मोड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो क्या आजकल एक मार्केट का या इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड ही बन चुका है, जहाँ पे IP68 की सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगी एंड आप इसको नॉर्मली पानी के अंदर भी यूज कर सकते हैं, बाहर तो दिक्कत ही नहीं है, रेन वगैरह आ रही है या फिर हाथ वगैरह धो रहे हैं तो आप इसको यूज कर पाएंगे आराम से। और ये स्मार्ट वॉच यार मेनली मेंस के लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि यार डायल थोड़ा बड़ा है, थोड़ी बल्कि है, कुछ ऐसा ही स्टाइल लिया गया, बट वुमेन्स अगर यूज करना चाहते हैं, डायल उतना बड़ा नहीं, स्टिल आप यूज कर पाएंगे इसको। मूविंग टू द फीचर्स इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग, तो यहाँ पे हार्ट रेट, SPO2, BP एंड स्ट्रेस मॉनिटरिंग जैसे फीचर और फंक्शन मिल जाते हैं। जो ब्रांड नंबर ज्यादा देते हैं जहां पे एक्यूरेसी कम मिलती है या फेक एक्यूरेसी मिलती है, तो यहाँ पे फेक एक्यूरेसी वाला कोई भी फंडा नहीं था एंड एक्यूरेसी मेरे को ओवरऑल स्मार्ट वॉच ठीक लगी, तब थोड़ा बहुत ट्रस्ट दिखा सकते हैं, बट स्टिल यार मेडिकल इमरजेंसीज के लिए मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट ही आप यूज करें। एडिशनल भी स्मार्ट वॉच में ढेरों सारे फीचर्स दिए गए, बट जो कॉमन फीचर्स है वो डिस्कस करते हैं पहले।
हार्ट रेट एसपी ओटू कॉमन है, हमेशा आपको स्मार्ट वॉचेज में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा स्टॉपवॉच, टाइमर, अलार्म, आपका वेदर अपडेट, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, ये सारे फीचर आपको हर बजट के स्मार्ट वॉच में देखने के लिए मिल जाते हैं। बट यहाँ पे क्या नया किया गया, तो आपको कैलेंडर का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपनी डेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। आपको फोन वगैरह ऑन करने की जरूरत, तो आपको फोन ऑन करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वॉच में आप यूज कर पाएंगे। देन कैलकुलेटर भी आप एआई असिस्टेंट मिल रहा है, तो अगर आपको फोन में कुछ यूज करना हो, फोन आपका थोड़ा साइड में पड़ा है, लेजी है, यूज किया एआई असिस्टेंट एंड कमांड दे सकते हैं फोन को टू कॉल समवन और टू प्ले म्यूजिक। देन अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट चेक करते रहते हैं स्टॉक्स एंड ऑल दैट, तो स्टॉक का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलता है। देन इन केस आप अपना फोन नहीं ढूंढ पा रहे, तो फाइंड माय फोन का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो यू गाइस, ये थे इसके कुछ एडवांस फीचर्स जो कि आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल तो रहने वाले हैं डेफिनेटली। नाउ अबाउट द मेन्यू स्टाइल, कैसे क्या यहाँ पे है, तो गाइस मैंने बताया 5 मेन्यू स्टाइल्स है। एंड अगर वॉच फेसेस की आप बात करें, तो क्राउन यहाँ पे दिया गया वर्किंग कंडीशन वाला, तो आप उसको यूज करके वॉच फेस चेंज कर सकते हैं। 10-12 वॉच फेस आपके स्मार्ट वॉच स्टोर कर सकती है। एंड जहां तक अदर वॉच फेस की बात है, बेसिकली क्लाउड वॉच फेस हमेशा ब्रांड्स आपको देते हैं, तो वही 100+ क्लाउड वॉच फेस यहाँ पे मिलते हैं, आपको जाके एप्लीकेशन से चेंज कर सकते हैं। अगर वो नहीं पसंद तो आप कस्टमाइज भी कर पाएंगे उनको। और रह जाता हमारा कूलिंग पार्ट, जिसके लिए मेनली आजकल स्मार्ट वॉच कोई भी परचेज करता है, एक यूजफुल थिंग रहती है। कूल आया आपका फोन जेब वगैरह में पड़ा है, निकालना नहीं है, जस्ट टैप ऑन योर वॉच एंड यू कैन कम्युनिकेट। तो माइक्रोफोन मिलता है, स्पीकर मिलता है, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। एंड 20 कॉन्टैक्ट सेव की लिमिट भी मिल जाती है, तो आप अपने स्मार्ट वॉच में 20 तक कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। अब जहां तक आउटडोर में एक्सपीरियंस की बात है, इंडोर में बात है, अगर आप ऑफिस वगैरह में है या फिर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो कैसे एक्सपीरियंस रहेगा, तो वो हमने थोड़ा सा परफॉर्म किया, ये देख लीजिए रिजल्ट। तो भाई अभी हम टेस्ट कर रहे हैं फायरबोल्ट की लेगेसी स्मार्ट वॉच का यहाँ पे माइक्रोफोन। ये स्मार्ट वॉच लॉन्च तो हुई थी 8-9 महीने पहले एंड यहाँ पे लॉन्चिंग प्राइस था 3800, बाद में 4000 पीस के सोल्ड आउट ही थी। बट अभी सेल में 2500 रुपए में स्मार्ट वॉच सोल्ड आउट हो रही है भाई। काफी तगड़ी डिस्प्ले है, काफी तगड़ा लुक डिजाइन इन्होंने दिया है, बट क्या माइक्रोफोन तगड़ा है, लेट मी नो। तो आई बिलीव गाइस आपने कोरिंग यहाँ पे चेक कर लिया, रिजल्ट भी आपको कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, बिकॉज माइक्रोफोन काफी अच्छा यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब भाई आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कोर, तो आपको बैटरी बैकअप ऑब्वियसली कम मिलेगा, बिकॉज कोर काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती है, चाहे आपकी वॉच हो चाहे आपका फोन हो। बट उसके बावजूद ये 1-1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको निकाल के दे पाएगी। एंड विदाउट कोर आपको मिल जाता है 3-4 डे का बैटरी बैकअप, जहां पे चार्जिंग टाइम यहाँ पे 2.5 घंटे के राउंड है। तो भाई मेरे को जहां तक आइडिया है, मैंने यहाँ पे सारी चीज डिस्कस कर लिया। एक चीज रहती है भाई कॉमन स्मार्ट नोटिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल वगैरह वगैरह नोटिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड उनको कैसे चेक करेंगे भाई, एप्लीकेशन में ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन का, तो इनेबल करना, जो जो ऐप की आपको चाहिए उनके आपको मिल जाएगी वो। एंड ये चीज नहीं है भाई, आप इसको टैप करके वीक नहीं कर सकते, तो वो चीज आजकल ब्रांड्स को ऐड करनी चाहिए। तो इसके साथ भाई होता है हमारा रिव्यू कंप्लीट। एंड आई बिलीव आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया लग गया होगा, तो स्मार्ट वॉच काफी अच्छी है, आपको सॉलिड लुक के साथ एक वो चाहिए जो कि आपको क्लासिक आउटफिट के साथ भी तगड़ी दिखे, तो ये आप ट्राई करना जरूर भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती है। एंड कई लोग बोलते हैं स्मार्ट वॉच डजंट गो वेल विद द फॉर्मल आउटफिट बिकॉज ऑफ ए लॉट्स ऑफ रीजन, तो स्टिल यार लुक चाहिए ना, ले लो इसको, मजा भी आएगा, यूज भी कर पाएंगे, स्मार्ट वॉच के फीचर्स भी है एंड एक क्लासिक लुक भी है, तो 2500 रुपए के अराउंड तो डेफिनेटली वैल्यू है। मेरे को कमेंट करके बताओ भाई ये रिव्यू कैसे लगा आपको, लाइक यू लाइक इट और नॉट, डू लेट मी नो। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।